हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की डेली क्लास सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम चार क्लासेस में एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारी आज की पांचवी क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एफ एक्स एक दिया हुआ है फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि टेन एक्स है, और एच एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि लॉग एक्स फंक्शन है। फॉर एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाय टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। यानी कि हमें एफ जी और एच तीन फंक्शन दिए गए हैं और एक्स की वैल्यू रूट पाई बाय टू पे एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें यह निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो जी फंक्शन में रखनी है, यानी इसमें रखनी है। और कहां पे रखनी है? एक्स की जगह पे रखनी है। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब हमें ये वैल्यू जी फंक्शन में रखनी है और एक्स की जगह पे रखनी है, यानी ये हो जाएगा एच ऑफ, अब जी फंक्शन में रखेंगे तो यहां बन जाएगा हमारे पास कितना, टेन एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह हमने रख दिया एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें h फंक्शन में रखनी है और किसकी जगह पे रखनी है? x की जगह पे रखनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ln x की जगह रख देंगे tan x स्क्वायर, तो ये हो गया tan x का स्क्वायर। अब हमें किस पे वैल्यू निकालनी है? इस चीज की वैल्यू हमें x इज इक्वल टू रूट पाई बाय टू पे निकालनी थी, तो यहां पे रूट पाई बाय टू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा ln tan, और यहां पे आ जाएगा रूट पाई बाय टू अगर रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई बाय फोर। अब टेन पाई बाय फोर यानी टेन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो यही दिया, यही चीज दी है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी फंक्शन जी एक्स है, और एच एक्स यानी कि लॉग एक्स दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ टू, एफ ऑफ एफ टू, और जिसके लिए कि हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन दिया गया है हमें कितना 16, और डी ऑप्शन दिया गया है 256। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ टू, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे लिखनी है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम F2 निकालेंगे यहां से, तो F2 निकालने के लिए x की जगह 2 रखना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ये बन जाएगा F ऑफ F4। अब हमें F4 निकालना है, तो F4 अगर निकालें, यानी फंक्शन F में x की जगह पे 4 रखना है, तो कितना हो जाएगा F ऑफ, ये हो जाएगा 4, यहां पे अगर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 16। अब हमें f16 निकालना है, f16 निकालना है, तो फिर से फंक्शन में x की जगह 16 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 256, यानी कि इसका हमें ऑप्शन मिल जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी कुछ हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिए गए, सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन हमें बताना है कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा होगा एफ एक्स, जिसके लिए कि फॉर विच हमें दिया गया है f0, यानी उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दी गई है 5, उस फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी दी गई है 10, और उस फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी दी गई है 6, और चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बताना है इसमें से कौन सा होगा वो पॉलिनोमियल
फर्स्ट है 5x square minus 2x plus 5, फिर बी ऑप्शन भी दिया गया है 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, फिर हमें सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और एक हमें डी ऑप्शन भी दिया गया है जो कि है, यहां लिख देते हैं डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन यहां दिया गया हमें 3x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि किस कौन सा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा जिसके लिए कि f 05 है, f माइनस 1 10 है और f 1 कितना है 6 है। एक तरीका तो है कन्वेंशनल तरीका के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये वैल्यू रख के ए बी सी की वैल्यू निकालें, एक तरीका तो वो है निकालने का, लेकिन हम इसको शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो हम सब में वैल्यू चेक करके देखते हैं कौन सा फंक्शन है जो सब वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले एफ जीरो अगर निकालें, एफ जीरो निकालें तो एक्स की जगह जीरो रखना है, जीरो रखना है तो ये आ गया 5, यानी कि पहला सेटिस्फाई कर गया। अब माइनस 1 रख के देखते हैं, माइनस 1 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये तो 12 आ गया जबकि आना चाहिए 10, इसका मतलब ये नहीं है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, एफ जीरो अगर रखें तो ये 0, ये 0, ये माइनस फाइव, पहला ही सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये भी नहीं है। अब सी ऑप्शन पे चलते हैं, एफ जीरो रखते हैं 0 माइनस 0 प्लस 5, पहली चीज सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरा चेक करते हैं, f माइनस 1 अगर निकालें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 5, यानी ये आ गया 10। अब चेक करते हैं 1 पे अगर चेक करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 प्लस 5, यानी कि 5 प्लस 3 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो सी ऑप्शन है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा है। यह है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अब देखते हैं क्या हमसे पूछा है। व्हाट इज कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इक्वल टू, यानी हमें दिया गया है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इक्वल टू बताना है किसके होगा इक्वल टू। ऑप्शन ए दिया गया है टेन ए बाय टू, ऑप्शन बी दिया गया है कोट ए बाय टू, ऑप्शन सी दिया गया है टू टेन ए बाय टू और ऑप्शन डी दिया गया है टू कोट ए बाय टू। यानी कि हमें बताना है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इक्वल टू किसके होगा, टेन ए बाय टू कोट ए बाय टू, टू टेन ए बाय टू, टू कोट ए बाय टू। तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, इसी तरह तरीके से कोसिकेंट ए को लिख सकते हैं वन बाय साइन ए। अब साइन ए अगर यहां से हम एलसीएम ले लें तो हमें मिल जाएगा कोस ए प्लस वन, यानी कि वन प्लस कोस ए बाय साइन ए। अब हमें दो फॉर्मूले मालूम हैं, फॉर्मूला नंबर वन मैं यहां लिख रहा हूं, वन प्लस कोस टू ए अगर कहीं दिया है तो इसको लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर ए, मतलब एंगल यहां पे हाफ हो जाता है। कहीं पे साइन टू ए दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं टू साइन ए कोस ए लिख सकते हैं। तो यही चीज यहां पे भी, यानी एंगल यहां पे हाफ हो जाता है, यही चीज यहां पे भी अप्लाई करेंगे, वन प्लस कोस ए को लिखेंगे टू कोस स्क्वायर, यहां पे ए को लिख देंगे ए बाय टू और यहां पे हो जाएगा हमारे पास साइन ए को लिख सकते हैं टू साइन ए बाय टू कोस ए बाय टू। अब एक कोस से कोस कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कोस ए बाय टू बाय साइन ए बाय टू। अब कोस बाय साइन हो जाएगा हमारे पास कोट ए बाय टू, तो कोट ए बाय टू यानी कि इसका बी हमारे पास हमको मिल जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर
5 में हमसे क्या पूछा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाउंडेड बाय मॉड्यूलस एक्स लेस देन 5, वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 8। इन तीन कर्व्स ने कौन सा कितना एरिया बाउंड किया है वो हमें निकालना है, और चार ऑप्शन है, 40 स्क्वायर यूनिट्स, बी ऑप्शन है 80 स्क्वायर यूनिट्स यानी 80 लिख देते हैं खाली, सी 120 स्क्वायर यूनिट तो 120, और डी ऑप्शन है हमारे पास कितना 160 स्क्वायर यूनिट, ये लिख देते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। तो सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए। अगर कहीं मॉडुलस एक्स लेस देन समथिंग दिया गया, मान लेते हैं इस केस में 5 दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होगी। तो हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यानी x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में होगी, तो x इज इक्वल टू -5 यहाँ कहीं पे आएगा और x इज इक्वल टू +5 यहाँ कहीं पे आएगा, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 और x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं y इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 8 यहाँ कहीं पे होगा, यानी ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 8 की। तो अब हमें कौन सा एरिया निकालना है इस कर्व ने और y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8 ने जो बाउंड किया, मतलब हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया हमको निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बन रही है, और इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 8 है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है -5 + 5, यानी कि 10 इसकी विड्थ है, या ये कहें कि एक ये रेक्टेंगल है जिसकी की हाइट हमारे पास 8 है और जिसकी की विड्थ 10 है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है, एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 8 × 10, यानी कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर यूनिट, यानी कि कितना आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, इफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया, तो वैल्यू इसकी बतानी है हमें क्या है, एक्स प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी और एक्स प्लस सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। और इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया गया है हमें, सी ऑप्शन दिया गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया गया है हमें ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया, तो इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सब रोज को या सब कॉलम को जोड़ देते हैं। तो मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं जिसमें मैं C1 कॉलम को लिखता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि कॉलम 1 को लिखता हूं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 का सम। तो अगर ये लिखेंगे तो यहां आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी,
यहाँ आएगा b, यहाँ आएगा x प्लस बी और यहाँ पे आएगा b, यहाँ आएगा c, c और यहाँ आएगा x प्लस सी। अब अगर ये चीज हम यहाँ से कॉमन ले ले x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये चीज बाहर आएगी और बाहर आएगी तो इसकी वैल्यू जीरो दी गई है। तो जीरो दी गई है तो इस डिटरमिनेंट की कुछ भी वैल्यू आए, जीरो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। यानी ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन का। तो यही था सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में, देखते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन में अगर हम देखें, ए एक मैट्रिक्स दी गई है, ए एक मैट्रिक्स दी गई है कितनी, वन माइनस वन माइनस वन वन, और हमें एक्सप्रेशन पूछा है ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया है कि एक नल मैट्रिक्स होगा, ए ऑप्शन है नल मैट्रिक्स होगा, बी ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सी ऑप्शन है इक्वल टू ए होगा, इक्वल टू ए होगा, और डी ऑप्शन है इक्वल टू माइनस ए होगा। तो हमसे ये पूछा है कि किसके इक्वल होगा ये एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब निकालना है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर के लिए ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए से, माइनस वन वन, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा ए से ही, यानी कि वन माइनस वन माइनस वन वो वन। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये आएगा हमारे पास वन और प्लस वन यानी कि टू। फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस वन और माइनस वन ये आ जाएगा माइनस का टू। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का टू। तो हमें ए स्क्वायर तो मिल गया, अब हम ए क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, यानी टू माइनस का टू माइनस का टू टू, मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ यानी कि वन माइनस वन माइनस वन वन। तो हमें मिल जाएगा टू और टू ये आ जाएगा फोर, फिर माइनस का टू माइनस का टू माइनस का टू, तो ये आ जाएगा माइनस का फोर, ये भी आ जाएगा प्लस का फोर। अब हमें ए क्यूब भी मिल गया है, ए स्क्वायर भी मिल गया, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब यानी कि हमारे पास आया फोर माइनस का फोर माइनस का फोर फोर, और इसमें से माइनस कर दें अगर टू ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फोर माइनस का फोर माइनस का फोर फोर। तो ये इसके साथ माइनस होगा तो ये कंप्लीट आ जाएगा जीरो 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 जीरो, यानी कि ये आ जाएगी एक नल मैट्रिक्स, जीरो जीरो मैट्रिक्स आ गई है तो इसको कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर सात था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ में, आठवां क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर एट्थ में हमसे देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर एट्थ, हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है कोस 46 डिग्री कोस 47 डिग्री कोस 48 डिग्री, फिर इसी तरीके से कोस 49 डिग्री कोस 49 डिग्री कोस 50 डिग्री, और इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन है कोस 135 डिग्री तक। और हमसे पूछा है किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन दिए गए हैं चार। ए ऑप्शन दिया गया है माइनस वन, बी ऑप्शन दिया गया है जीरो, सी ऑप्शन दिया गया है वन, और डी ऑप्शन दिया गया है कि मोर देन वन, मोर देन वन। चार हमसे ऑप्शन पूछे हैं तो किसके इक्वल होगा ये पूछा है। तो हमें एक बात पता है कोस 45, 47, 48, 49, इसी तरीके से बीच में कहीं ना कहीं कोस 90 भी आएगा, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। और जब जीरो का मल्टीप्लिकेशन बाकी सब वैल्यूज के साथ होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं एक कोस 90 आएगा और कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर एट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ।
नाइन्थ में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमसे पूछा है, हमें दिया गया है एफ एक्स दिया गया है लॉग ऑफ बेस 10 वन प्लस एक्स, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि बताइए 4f4 प्लस 5f1 माइनस लॉग बेस 10 2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, जिसके लिए कि हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है हमारे पास 4। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम F4 निकालना है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, F1 निकालना है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4। F4 निकालना है तो यहाँ हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 5। F1 निकालना है तो यहाँ हो जाएगा log बेस 10, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे log बेस 10 और ये 2 है। अब क्या करेंगे, ये है 4 log 10 और ये 5 और प्लस 5 log बेस 10 2 माइनस log 10 log बेस 10 2, तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 log बेस 10 और ये 2। अब 4 अगर पूरे में से कॉमन ले लें, यहाँ पे log बेस 10 5 प्लस यहाँ पे log बेस 10 2 है, तो log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, ये लगाएंगे इसमें तो यहाँ पे log बेस 10, log a प्लस log b को लिख सकते हैं log a इंटू बी, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। अब log बेस 10 और 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।